इतना ज्यादा तनाशाही हो गया कि जैसे अंग्रेज थे उससे ज्यादा तनाशाही आए थे। मैं आपको बताता हूँ। सभी को नमस्कार। कौन सा मुद्दा आपको ऐसा लगता है कि वो इस समय बहुत ज्यादा आपको प्रभावित कर रहा है, समाज को प्रभावित कर रहा है? जो धुराठी कह रहे हैं देश जो है तनाशाही की ओर जा रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं जा रहा है, कुछ लोगों को लगता है कि हाँ जा रहा है। तो उस पे हम लोग का भी विचार है, जिस प्रकार से तनाशाही होता है अगर उस तरह से देश चला गया तो बहुत समस्या हो सकता है। आप देखें, वहाँ पे मेयर का चुनाव था चंडीगढ़ में, और आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को मिला के उनका बहुमत हो रहा था, उनसे ज्यादा वोट था उनका, बीजेपी से ज्यादा वोट वहाँ मिल रही। हाँ, लेकिन उसके बाद भी पेन चलाकर या जिस भी प्रकार से इनवैलिड कर दिया, इनवैलिड करके यानी बीजेपी को जिताने का प्रयास कर रहे थे वहाँ के अधिकारी, चुनाव आयोग के अधिकारी। अगर चुनाव आयोग बिक गया है, जो चुनाव कराता है संस्था, वही स्वतंत्र नहीं रहेगा, वो निष्पक्ष नहीं रहेगा, तो चुनाव कैसे निष्पक्ष होगा? जो धुराठी ने कहा तो फिर वो सही बात, सही बात है। एक उदाहरण हो गया, और ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण है कि चुनाव हुआ, उन्होंने दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ा, लेकिन बाद में क्या होगा, उसे खरीद लेंगे बीजेपी वाले। कई जगह आपने देखा कि हटा दिया गया तख्ता पलट। वो बड़े रूप में तो बीजेपी नहीं कर रही है, लेकिन छोटे छोटे रूप में हर एक राज्य में ये छोटे छोटे तख्ता पलट ये करने में माहिर है बीजेपी, आपका ये कहना है? तब लोकतंत्र कहाँ रह गया? लोकतंत्र कहाँ रह गया? जिस वादों पे जिस उस पे उन्होंने वोट किया वो तो रहा ही नहीं, अब दूसरी पार्टी जब चला गया तो ये समस्या है। ऐसे ही बहुत सारा, जैसे चुनाव अभी होने वाला है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चुनाव आयोग होगा उनकी नियुक्ति कैसे हो, कि एक प्रधानमंत्री होंगे, दूसरा जो विपक्ष है उसका एक लीडर होगा, और उसके बाद एक होंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो ये तीन लोग मिलके नियुक्त करेंगे चुनाव आयोग को। अच्छा। लेकिन सरकार ने फिर कानून बना दिया कि एक प्रधानमंत्री होंगे, दूसरे कैबिनेट का मंत्री होगा, और तीसरा होगा दूसरे पक्ष। मतलब ये कि जो चुनाव आयोग का मेन हेड है उसको पार्टी वाले ही चूज करेंगे? हाँ, पार्टी वाले ही चूज करेंगे। और इनकी पार्टी के दो व्यक्ति हैं, और दूसरा जो पार्टी है जो विपक्ष का पार्टी है उसका एक, तो हमेशा इनका ही बहुमत होगा। वो तो पार्टी तो ये तो यही बात है कि वो जिनको चाहेगा उनको बना देंगे। अब आप बताइए, अगर मैं कहीं एग्जाम दूं और मेरा दोस्त जो है अखिलेश वो मेरा काफी जांचे, मैं फेल हो सकता हूँ कभी? जांचने वाला ही करने वाला ही अपना ही है, तो फिर फेल होने का सवाल ही नहीं है। हो सकता है वो टॉप मुझे ना करे, लेकिन फेल तो नहीं करेगा। तो अगर ये लोग अपना ही लोग वहाँ पे बैठा रहे हैं तो कितना लोगों को विश्वास होगा कि जो चुनाव होगा वो निष्पक्ष होगा? तो ध्रुव राठी का सही कहना है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या पॉइंट है, क्या उदाहरण है? देखिए, चुनाव सबको बराबर मौका मिलना चाहिए लड़ने का, लेकिन आप देखें दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सिटिंग है इसमें मुख्यमंत्री, इस समय, और उनको केवल आरोप के बेस पे जेल में डाल दिया गया है। और चुनाव के समय साबित नहीं है उनके ऊपर उन्होंने भ्रष्टाचार किया कि नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं किए होंगे, हो सकता है किए हों, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, लेकिन चुनाव के समय आप दो और पहले आप जेल में डाल दिए होते या ये चुनाव के बाद डाल देते, उनको ये दिखा कि चुनाव में ये बड़े खतरा महसूस हो रहे हैं और इस वजह से केजरीवाल को अपने जेल में डाल। हाँ, ये तो पूरे दिल्ली के लोगों का मानना है यही हुआ है। ऐसे ही एक छत्तीसगढ़ में भी हुआ, वहाँ के भी जो सीएम थे उनको जेल में डाल दिया गया आरोप लगा के। तो ठीक है, उनको भ्रष्टाचार का आरोप हो सकता है, वो भ्रष्टाचार किए भी हो, आप पहले डाल दीजिए या बाद में, ये सही रहता है। चुनाव के समय पे आप ऐसे कर रहे हैं, एक तो सीधा सीधा दिख रहा है कि आप यही चाहते हैं कि हमारा तनाशाही हो, हम ही सरकार चलाएं और कुछ भी नहीं। मतलब जैसे दक्षिण कोरिया में जिस तरह की सरकार है, तो उस तरह की सरकार यहाँ हो गई है कि भाई सरकार के खिलाफ जाने वाले को आप जेल में डालोगे, सरकार के खिलाफ बोलने वाले को आप कई सारे नियमों में फंसा के उसे हटा दोगे, और अपने मन की ही करोगे, दिखाने के लिए उसे डेमोक्रेसी दिखाओगे, लेकिन होगा आपका तानाशाही। बिल्कुल बिल्कुल। जो चुनाव हो जाए ये जरूरी नहीं है, चुनाव में हम लोग जाके वोट डाल दिए तो लोकतंत्र है नहीं, वाकई में चुनाव होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, तब तो मतलब है ना, तो वोट देने से क्या मतलब। अभी लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, हो सकता है ईवीएम हैक होता हो ना होता हो, ये अलग बात है, लेकिन अगर चंडीगढ़ का जो मामला हुआ उसे देख के
ये तो लगता है ना कि कर सकते हैं लोग। अगर अगर वो हैक होता होगा तो ये लोग करते होंगे, करते होंगे। क्योंकि वहाँ पे जब कैमरा लगा है सबको पता है कि 20 सीट उनकी आई हुई है ये गठबंधन की, उसके बाद भी उनके पेन चला के या किसी भी प्रकार से इनवैलिड करके कर रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ भी अगर उनको चांस मिलेगा, उनको मौका मिलता है, करते होंगे, ये करते होंगे बिल्कुल। बीजेपी यानी देश के लिए हानिकारक हो गई है बिल्कुल। ध्रुव राठी ने जो सवाल उठाए, जो बातें उन्होंने कही सत्य कही है बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें तो समझ में आ रही है, जनता को भी समझ में आ रही है और जनता देख भी रही है कि बीजेपी हर तरीके से देश के खिलाफ चली गई है। क्योंकि अगर ईवीएम हैक कर रहे हो, जेल में भर रहे हो, तो जनता जिसको भी अगर चुनेगी उसके साथ आप गलत कर दोगे तो जनता फिर कर भी कुछ नहीं पाएगी। यानी कि जनता तो वोट ही तो दे सकती है, संसद में जाके तो लड़ेगी नहीं। जब वोट जिसको उसने जनता ने दिया उसको आपने उठा लिया, फिर जनता तो यहाँ मजबूर है। मीडिया मीडिया बिक गई है, मैं नहीं कह रहा हूँ। देश में के बहुत अच्छे से शिक्षक खान सर कितना कहते हैं कि अगर आपको कभी ये लगे कि हमने कुछ बुरा कर दिया है या हम बेकार हैं, आपको आत्महत्या करने का मन हो तो आप मीडिया को देख लिया करें। कि इतना बुरे स्थिति में जाने के बाद भी वो लोग क्रीम पाउडर लगा के उससे बैठते हैं मीडिया, सब मजाक लगा कहते लगे वाकई सही बात करते हैं। शिक्षक जो है हमारे देश के सभी शिक्षक सरकार के खिलाफ जाके बोल रहे हैं और जनता भी इस बात को समझ रही है। और ध्रुव राठी ने जो वीडियो बनाया, 3 करोड़ तक लोगों ने उसे देखा, तो इससे ये पता चलता है कि वाकई ये इस तरह की स्थिति है, लेकिन समाधान क्या है ये समझ नहीं आ रहा है। लोकतंत्र में व्यक्ति राजा है। 2005 में कानून बना आरटीआई, ये इसलिए बना, कौन सा काम कर रहा है, किस क्षेत्र में कितना पैसा आया, उसका क्या किया उन्होंने, कहाँ कहाँ खर्चा किया, हर व्यक्ति पता लगा सकता है क्योंकि वो देश का राजा है। लोकतंत्र में व्यक्ति राजा है, पब्लिक राजा है वो राजा नहीं है। उन्होंने वो काम सौंप दिया गया, एक प्रकार नौकर है, नौकर है मंत्री यानी नौकर, बड़ा नौकर है बस इतना ही है, लेकिन है तो नौकर ही बिल्कुल। लेकिन आज उसकी तानाशाही चल रही है देश में, ये जनता परेशान है लेकिन जनता के पास कोई निवारण नहीं है। इतना ज्यादा तानाशाही हो गया जैसे अंग्रेज थे, उससे ज्यादा तानाशाही आज है। मैं आपको बताता हूँ, भगत सिंह जेल में गए तो वहाँ पे उन्होंने कहा जो खाना मिल रहा है वो सही नहीं है, हम लोग इसका विरोध करेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे। तो वो मरे ना या उनको कुछ दिक्कत ना हो, वो लोग जबरदस्ती खिला रहे थे अंग्रेज लोग। आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा ऐसे ही। अगर आज सोनम वांगचुक, आपने सुना होगा सोनम वांगचुक लद्दाख के हैं, वो इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, एक समाज सेवी हैं, वो वहाँ के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जी, जी। वो 21 दिन के लिए फास्ट पे बैठे थे अभी भी और 21 दिन तक सरकार का कोई व्यक्ति नहीं गया उनसे पूछने, हो सकता था वो मर जाते। मतलब अंग्रेजों से ज्यादा तानाशाही इस समय है जी, किसानों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही है, 21 दिन तक भूख हड़ताल करने के बावजूद भी सरकार वहां नहीं जा रही है, ना मीडिया वहां का कवरेज कर रही है, तो ये तानाशाही एकदम साफ साफ है। लेकिन जनता समझने को तैयार नहीं है और जनता जैसे इस तरह की वीडियो जो बनाया जा रहा है, जैसे उस वीडियो को शेयर भी नहीं करती है ज्यादा और इसको भाव भी नहीं देती, जिसकी वजह से ये लोग अपना मनमाना कर रहे हैं और करते चले जा रहे हैं। लोग को बस वही जो झगड़े की वीडियो डाल दीजिए आप, इसमें उनका इंटरेस्ट है। समाज में क्या हो रहा है, कैसे परिवर्तन होना चाहिए, देश कैसे आगे बढ़ेगा, इस पे किसी का कोई विचार जा नहीं रहा। स्वार्थ के आगे कुछ और पूछ नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इंटरटेन कर रहे हैं बस। जो इंटरटेन करे, कुछ कॉमेडी का वीडियो भी डाल दीजिए आप, बहुत अच्छा चलेगा। जी जी जी। मुद्दे की बात, वाकई में क्या मुद्दा होना चाहिए उस पर लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों से खासकर निवेदन है, इस तरह की वीडियो को आप शेयर किया करें, लाइक किया करें, ताकि देश जागरूक रहे और समाज हमारा देश जो गर्त में गिरने वाला है इससे बच पाए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।